हाय सॉरी ट्रैफिक बहुत है इसलिए लेट हो गया। अरे नो प्रॉब्लम, चलो ना। तेजस एक्चुअली मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। ओह एक्चुअली मैं भी तुम्हारे से आज एक स्पेशल बात करने के लिए आया हूँ। हाँ बोलो। नहीं नहीं लेडीज फर्स्ट। ठीक है, मेरी शादी तय हो गई है। हा? क्या? मैंने कहा मेरी शादी फिक्स हो गई है। ओह कांग्रेस, कौन है लकी बॉय? रणबीर। हैं? वो फिल्म स्टार? अरे ये तो सुपर। वो नहीं नहीं, रणबीर सिंह। ओह क्या बिजनेस है? सॉरी मैं नहीं जानती, पापा ने ये रिश्ता तय किया है। मेरी शादी के लिए मेरे पापा की कुछ शर्तें हैं। सबसे जरूरी फैमिली का बैकग्राउंड, लड़के की फैमिली संस्कारी होनी चाहिए। घर में किसी पर भी कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट अ सिंगल फ्रॉड इन द फैमिली। सिर्फ इतना ही नहीं, फैमिली का स्टेटस अच्छा हो, अच्छी इनकम रेपुटेशन हो। जिस लड़के के अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी, वेदिका की शादी मैं उसी से करवाऊंगा। बाकी बातें हमारे गुरु जी तय करेंगे। कौन से गुरु? महागुरु महर्षि वैजयंतीमाला। मेरे पापा सब कुछ उनको पूछ कर ही करते हैं, यहाँ तक कि कुछ साइन भी करना है तो उन्हीं को पूछते हैं, पर मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। तेजस अब मुझे जाना होगा, पर जाने से पहले मैं अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मैं तुमसे ये कहना चाहती थी। क्या बात है? अगर मुझे अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का मौका मिलता तो तुम ही मेरे जीवन साथी बनते। आई लाइक यू अलॉट। बाय। कि नहीं परम शांति दूंगा। हफ्ता क्या पूरा भाई, बात कहां तक पहुंची? कहीं नहीं, उसके तो शादी तय हो गई, मुझे उसे भूलना होगा। हुआ क्या? उसके पापा ने उसकी शादी फिक्स की। उसे चाहिए अच्छा खानदान, स्टेटस, रेप्यूटेशन, जो मेरे पास नहीं है। होता भी तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके पापा किसी ज्योतिष वोतिष को मानते हैं जिनके बिना शादी नहीं कराई। अरे कौन सा ज्योतिष भाई? क्या नाम बोला था? महागुरु महर्षि वैजयंतीमाला। भाई मेरी तो लग गई, भून डाला। अरे जल गया, अरे मेरा पिछवाड़ा। ए ब्लेड, जरा देख तो भाई, पका कि नहीं? कच्चा है, पकने में टाइम लगेगा। और 20 सेकंड रखोगे तो काला पड़ जाएगा पूरी तरह। मेरी बॉडी पूरी तरह से ग्रिल हो चुकी है। जो पूछना है पूछो, मुफ्त में ज्ञान दे दूंगा। क्या ये शादी होगी? 14 फेरे वाली शादी होगी। लेकिन मेरा बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं है। अगर मुझे नहीं उतारा तो मेरा बैकग्राउंड भी नहीं बचेगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वेदिका के पापा को खानदान, रुतबा, स्टेटस चाहिए। वो सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, बस मुझे घुमाना बंद कर दो। अगर जिंदा बचा तभी काम कर पाऊंगा। ठीक, मैं तेरे को 24 घंटे का टाइम देता हूँ। अगर तब तक मेरे लिए कोई जुगाड़ नहीं कर पाया ना, तो अगली बार तेरे को सेकूंगा नहीं, सीधा डीप फ्राई करूंगा। डीप फ्राई करेगा मुझे? मतलब मेरा पकोड़ा बनेगा? भैया आ गए। अरे दीनू, छांस लेने आओ जे। मेरे घर में मेहमानों को ठंडी छांस पिलाते हैं। अरे गुरुजी, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। बैठिए ना। थैंक यू। अलग से बोलो। बैठ जाता हूँ। मैं कभी भी शादी की बात सीधे लड़के से नहीं करता हूँ, बिना कुंडली मिलाए तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ गुरुजी ने कहा इसलिए राजी हो गया। घर में कोई नहीं है क्या? इनका पूरा खानदान भारत में है, इनके परिवार की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पूरा परिवार दान धर्म में मानता है। अगर आपको भी कभी कोई उधार चाहिए हो तो तेजस से मांग लीजिएगा। भाई वो मर्डर का केस हम जीत गए, जज को 3 करोड़ दिए तब जाके माना है। वो बहुत जिद्दी था, वरना तो आज आप जेल में होते।
और वो दूसरा केस जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की टांग काटी थी आपने। मर गए। टेंशन मत लीजिए, वो केस भी मैं संभाल लूंगा। सब स्वाहा हो गया। अरे डायलॉग ऐसे नहीं था। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड का हाथ काटा था, पैर नहीं काटा था। अब अगली बार से याद रखना, ठीक है? वरना नाटक से निकाल देंगे। क्यों भाई? वो क्या है कि मेरे को नाटक वगैरह करने का शौक है। मैं खुद ही लिखता भी हूँ और डायरेक्शन भी खुद ही करता हूँ। ये मेन कैरेक्टर है लेकिन हमेशा लाइंस भूल जाता है। क्या कर सकते हैं, भुलक्कड़ है, मेरी तरह बादाम नहीं खाता है ने? ओ, तो यहाँ पे कोई नाटक चल रहा है। वही मैं सोचूं कि भाई ने आज धोती क्यों पहनी है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। भाई परसों जो आपने पर्स मारा था ना, उसमें से हमने क्रेडिट कार्ड और कैश निकाल के उसके आधार कार्ड के एड्रेस पे हमने उसे पोस्ट कर दिया। अगर तुम्हें पूरी तरह से डायलॉग याद नहीं हुआ तो नाटक खराब हो जाएगा। चलो याद करवाता हूँ। मैं भी इस नाटक का एक पात्र हूँ। सच में? इस कहानी में मेरे पापों का घड़ा भर चुका है, इसीलिए ये लोग मुझे तेल में तलते हैं। बेचारा आदमी। चलिए अंकल, हमारी बात आगे बढ़ाते हैं। कल सुबह गुरुजी और मैं हमारे गांव जाने वाले हैं। मतलब कल मेरा चौथा पक्का। मैं गुरुजी को हमारे रिश्तेदारों से मिलवा दूंगा। उनसे मिलकर गुरुजी को ठीक लगा तो वो आपको फोन करके बता देंगे। फाइन, नो प्रॉब्लम, गुरुजी उचित निर्णय ही लेंगे। एक मिनट गुरुजी, आपसे बात करनी है। आपको लड़का कैसा लगा? लड़का तो गुरुजी मुझे पसंद आया। अच्छा, गुजराती फैमिली है तो ठीक ही होगी, बाकी आप सब संभाल लीजिए। बेटा तेजस। जी अंकल। अब मुझे जाना होगा, बाकी बातें मैं गुरुजी से कर लूंगा। हाँ चाल से, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, मैं भी इनके साथ प्रस्थान करूँ। तो मेरे साथ इंडिया चलेगा? वहाँ पर मेरा क्या काम? वहाँ मेरे रिश्तेदारों को देख के मोर लगाएगा, तभी तो अंकल हाँ बोलेंगे ना। इंडिया जाने के लिए पासपोर्ट लगता है ना। तो फिर तू मलेशिया क्या उड़ के आया था? जहाज के कार्गो में छुपा था, पकड़ा गया तो समंदर पर चल के आया, तब से गुरु बना हूँ। फिर तो काम और भी आसान हो गया, हम भी पानी पे चल के इंडिया जाएंगे। नहीं नहीं, अभी तक मुझे उतनी सिद्धियाँ प्राप्त नहीं हुई है। पानी में थोड़ी देर चलने के बाद मैं डूब जाता हूँ। मुझे तो वो भी चल जाएगा, तुम्हारी लाश निकल के इंडिया ले जाऊंगा। मेरी लाश भारी, इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? पूरे घर की परिक्रमा कर ली, अब थोड़ा आराम करता हूँ और बैठे बैठे खबरें भी पढ़ लेता हूँ। लड़की को छेड़ने के मामले में स्वामी गिरफ्तार। शायद उससे कंट्रोल नहीं हुआ, स्वामी बाबा को ऐसा काम शोभा नहीं देता। नमस्ते। मैंने कहा नमस्ते। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से सर्वे के लिए यहाँ आई हूँ। तो हाथ पकड़ लो ना। लेकिन क्यों? सर्वे के लिए। लेकिन हाथ पकड़ के सर्वे कैसे करूँ? तो जो पकड़ने से सर्वे होता है वो आप पकड़ सकते हैं, मेरी कोई आपत्ति नहीं। ओ मिस्टर, इस घर में कितने लोग रहते हैं? लोगों की टेंशन मत लो, घर खाली है। लीचड़ कहीं के, इस घर में कोई रहता भी है या नहीं? फिलहाल सारे लोग यहीं पर है, रात को आना सब सो जाएंगे। सर्वे के लिए पूछ रही हूँ, यहाँ कितने लोग रहते हैं? ओ ऐसा क्या, 8-10 लोग तो होंगे। दूध पीने वाले बच्चे कितने हैं? अभी तक तो नहीं है, तुम राजी हो जाओ तो हो जाएंगे। मुझे क्या ऐसी औरत समझ के रखा है? हाँ, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उठा के सीधा पुलिस में दे दूंगी। मुझे मत लेना, बोल देती हूँ। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये आदमी मुझे छेड़ रहा है। बाबा होके ये हरकत? मैंने कसम से, मैंने कभी औरतों को उस नजर से नहीं देखा, बस एक ही नजर से देखा। जाओ अंदर जाओ। मूड की सत्यानाशी करने आ गया। मैडम माफ करना, आप शांत हो जाइए। हाँ बताइए। मैं यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट से आई हूँ कुछ सर्वे के लिए। आप जानना क्या चाहती हैं? यहाँ कौन कौन रहता है? मैं, मेरे सर और असिस्टेंट। क्या इस घर में ज्वाइंट फैमिली रहती है? नहीं, हम एक फैमिली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बनाने की कोशिश मतलब माँ बाप बच्चे? इस घर का हेड कौन है? तेजस शाह। और उनकी फैमिली में? कोई नहीं, मेरे सर अनाथ हैं। अनाथ? ये कब हुआ? तुम्हारे सारे राज खुल चुके हैं, मुझे अभी अभी कुछ पता चला है। क्या पता चला? कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम्हारी कोई फैमिली ही नहीं है, ना मामा है, ना चाची है, ना भतीजा है, ना भांजी है, परिवार के नाम पे तुम निल हो, पैदाइशी अनाथ हो तुम, अनाथ। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं हिंदुस्तान छोड़कर जा रहा हूँ। धरती पे जाओगे? क्या कहा तुमने? तुम जाओगे तो जरूर,
लेकिन वेदिका और मेरे फेरों की अग्नि जला के या खुद की चिता जला के, ये तू खुद नक्की कर ले। मोटा भाई, तुम हमेशा मजाक क्यों करते हो? मैं मजाक नहीं करता, जो कहता हूँ सच कहता हूँ। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं बचपन से अनाथ हूँ और अपने माँ बाप अब मैं खुद चुनने वाला हूँ। 3 साल की उम्र में गाँव में बाढ़ आई और मैं माँ बाप से अलग हो गया, और तब से लेके आज तक मैं इस दुनिया में अकेला ही हूँ। लेकिन अब सही वक्त आ गया है उन्हें ढूंढ निकालने का। तो तुमने वेदिका के पिताजी को क्यों बोला कि तुम्हारी फैमिली है? उनसे मैंने कहा कुछ कहा था? तुमने कहा था? ये तो फंसा रहा है मुझे। तुमने सब कुछ पहले से प्लान किया था, है ना? ढोंग कर कर के आज तक मैं लोगों को फंसाते आया हूँ, इसने तो मुझे ही फंसा दिया। सब सो रहे हैं, यही सही वक्त है, दामोदर जी को सब बता देता हूँ। मेरी शक्ल इतनी डरावनी है। इस कमरे में कोई नहीं है, अपने काम को अंजाम दे ही देता हूँ। हेलो दामोदर जी, आप कुछ मत बोलना, सिर्फ मेरी बात सुनना। मलेशिया में जो कुछ भी मैंने बोला था वो सब झूठ है। मेरी बात मानिए, ये शादी मत होने दीजिए, ये सारे लोग धोखेबाज हैं। लड़के का कोई परिवार नहीं है, वो तो अनाथ है। मुझे धमकी दे देकर झूठ बोलने पर मजबूर किया जा रहा है, कृपया करके मुझे यहाँ से निकालो किसी भी तरह। हेलो हेलो, ओके डार्लिंग, कल फोन करता हूँ। हाँ बाय, अच्छी तरह सो जाना, शुभ रात्रि। स्वामी की स्वामिनी है। टाइम प्लीज। दामोदर जी, मैं स्वामी वैजंती माला, मैं तेजस के परिवार से मिल चुका हूँ। ऐसा परिवार आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप बहुत ही भाग्यशाली है जो आपको ऐसा दामाद मिला है। दक्षिणाबाद में लूंगा। क्या मसल पावर है, क्या गन पावर है, मोमबत्ती लेकर ढूंढेंगे फिर भी ऐसा लड़का आपको नहीं मिलेगा। दामोदर जी, मरने का टाइम आ चुका है, मतलब सोने का टाइम। बोल दिया।